अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है, लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही नीचे गिर गया है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। शहरों से गांवों की ओर पलायन बढ़ गया है, लेकिन शहरों में नौकरियों की कमी है। नतीजा ये है कि लोगों को निजी और छोटी मोटी नौकरी के लिए सौदा करना पड़ रहा है। नौकरी पाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और जो लड़कियां पैसे नहीं दे सकती हैं, वे सेक्स के लिए तैयार होने को मजबूर हैं। नौकरी की तलाश में गांव से शहर आए चिसुंगा ने अल जजीरा को बताया किस तरह वे राजधानी हरारे में बसे अपने चाचा के पास काम की तलाश में आए। उन्हें उर्वरक के कारखाने में बोरे ढोने के काम के लिए कुछ देने को कहा गया और ये कुछ और कुछ नहीं बल्कि 30 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12,000 जिम्बाब्वे डॉलर था। लड़कियों की इसके बदले यौन शोषण के दौर से गुजरना पड़ता है। 24 साल की युवती तैनाना कत्यूरा ने अल जजीरा से कहा कि उन्हें एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी मिली और उसके बदले उसके मैनेजर के साथ सोने को कहा गया। उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें वो नौकरी नहीं मिली। इसके पहले उन्हें एक रेस्तरां में नौकरी मिली, लेकिन वहाँ भी इसके बदले रेस्तरां के मालिक के साथ रात गुजारने को कहा गया। तैनाना ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। लेकिन सभी युवतियाँ ऐसा नहीं कर पाती हैं। एक दूसरी खूबसूरत जिम्बाब्वे युवती को सुपरमार्केट पर नौकरी के लिए उसके मैनेजर की शर्त माननी पड़ी। बाद में उन्हें पता चला कि इस क्रम में वे एड्स से संक्रमित हो गई है। जिम्बाब्वे ने अपने विदेशी मुद्रा के जबरदस्त अवमूल्यन के बाद अमेरिकी डॉलर को अपना मुद्रा 2019 में मान लिया, लेकिन इससे उसकी आर्थिक परेशानी बढ़ती गई। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, क्रय शक्ति कम हो गई और देश बेहाल हो गया। सरकार ने इस साल फिर अपने पुराने मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर को अपना लिया है, लेकिन हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। आज हालत यह है कि एक जिम्बाब्वे डॉलर 400 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। महंगाई दर में 100% की बढ़ोतरी हो गई और बेरोजगारी दर 90% बढ़ गई है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया है। सवाल है, ऐसे में अफ्रीकी देश क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद ले और कौन उसकी मदद करेगा।